अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है, जिसमें कहा हुआ है कि सवाल को एब इनिशियो मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है वो क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। अभी देखें y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स की 4 है। अभी हमने डियर स्टूडेंट ये करना है कि देखें, जैसे हम इस तरह करते हैं कि ये x की 4 को ऊपर ले जाते हैं, जब हम वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो 2x की ये क्या हो जाएगा, -4। जब डियर स्टूडेंट हम इसको 2x की पावर जो है -4 करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या कहा था, आपने ये करना है कि आपने स्टेप 1 ये करना है कि दोनों के अंदर चेंज ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, मैं फिर एक दफा आपको बताता चलूं कि जब आप चेंज ऐड करते हो तो यहाँ पे आप जो है डेल एक्स ऐड करोगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या ऐड हो जाएगा, डेल वाई। ये जो है आपके पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 है कि इस वाई को उधर ले जाए। जब आप इस वाई को उधर लेके जाते हैं तो ये देखें आपके पास आ गया x प्लस डेल एक्स की पावर -4 और ये माइनस क्या आ जाएगा, y। तो अब आप क्या करेंगे कि इस y की यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, वैल्यू। तो जब आप वैल्यू डियर स्टूडेंट पुट करेंगे तो वो वैल्यू क्या थी, यस। अभी देखें ये y की वैल्यू ये भी है तो आप इसको यहाँ पे ये पुट कर दें। डियर स्टूडेंट अब जरा मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें यहाँ पे ना, अब ये जो वैल्यू है x प्लस डेल एक्स की पावर माइनस जो है 4, अब इसके ऊपर जो है ना आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे नहीं हो सकता, मैं वो वजह आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखें x प्लस डेल एक्स है, बाइनोमियल फॉर्मूला पे क्या है, 1 प्लस x। आप सबसे पहले तो ये समझे कि हमने इधर बाइनोमियल लगाना क्यों है। हमने बाइनोमियल इसलिए लगाना है, देखें माइनस 4 का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जैसे स्केयर है ना, उसका फॉर्मूला है a² + b² + 2ab, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। तो फॉर्मूला नहीं है तो फिर हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल लगाते हैं। तो जब हम बाइनोमियल लगाते हैं तो बाइनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, 1 + x की फॉर्म होनी चाहिए और इधर x प्लस डेल एक्स की है, ठीक है। मतलब कि इस जगह पे 1 होना चाहिए, इधर जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो पहले हम वो बनाते हैं। हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां से ना आप उस वैल्यू को छोड़ दें, यहां से हम लोग क्या करते हैं x की -4 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखें कैसे, मतलब x कॉमन लेंगे, x जब हम कॉमन लेंगे तो ऊपर -4 है, उसके साथ बाहर वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। इधर आपके पास रह जाएगा 1। देखिएगा बड़ी काम की बात बताइए, यहां से आपने x कॉमन लिया ना तो x बाहर रहेगा, तो इसके ऊपर पावर -4 भी थी वो साथ बाहर आ जाएगी। जब यहां से हमने x कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, 1। अब इधर तो x था ही नहीं। जब आप ऐसी चीज कॉमन लें जो इधर ना हो तो इसका मतलब है कि वो चीज आपने इधर इसके साथ क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो ये यहां पर -4 - क्या हो जाएगा, 2x - 4, ठीक है। ये तो होगी बात, ठीक है। अब मैं फिर आपको समझा रहा हूं, आपने ये x कॉमन लिया ना, इधर क्या आ गया, 1। x कॉमन लिया का मतलब है जब ये बाहर आएगा तो ये -4 इसकी पावर क्या आ जाएगी, बाहर। अब यहां पे देखिए आपके पास जो है 1 + x / x कैसे आया, आपने x कॉमन लिया, इधर x था, इधर 1 रह गया, इधर तो x है ही नहीं। जब x नहीं है, अगर होता, अगर इधर x डेल x होता तो इधर सिर्फ डेल x आ जाता। अब चूंकि यहाँ पे x नहीं है इसलिए ये x जो है इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपके पास वैल्यू है डेल y वो इक्वल आ जाएगी 2 की पावर x - 4, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जरा क्या करते हैं। देखिए जब उसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे तो पहली वाली वैल्यू क्या आएगी, 1, फार्मूले के मुताबिक। अब 1 + x की पावर n, यानी ये 1 प्लस और ये पूरे का पूरा क्या है, x, ये पूरे का पूरी वैल्यू क्या है, x। आप ये समझ लीजिए, मैं रेड पेन यहां से यूज करता हूं, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आपके पास, x है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, 1, और ये वाली वैल्यू क्या है, n। अब जहां पे 1 है वहां पे तो 1 ही लगाएंगे, जहां पे x है वहां पे क्या लगाएंगे, डेल x बाय x। ये n की क्या वैल्यू है, ये n के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, कितने, -4। तो ये यहां पे आ जाएगा -4, ये क्या आ गया, x। अच्छा, x की वैल्यू क्या थी, डेल x बाय x, ये डेल है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है प्लस, ये तो बात यहां पे खत्म हो गई। उसके बाद है n (n-1), n की क्या वैल्यू थी, -4, फिर n-1 की क्या थी, -4 - 1, ठीक है जी। या आ गया आपके पास x की वैल्यू क्या थी, डेल x बाय x का स्केयर, इसके नीचे 2 फैक्टोरियल और उसके नीचे क्या है, 1 फैक्टोरियल, और ये करते करते यहां पे जाएगी। तो इससे एंड में भी आप देखिए ये जहां पे खत्म होगा उसके बाद क्या है, -2x की 4, ये 4 आ गए, ठीक है जनाब। अब यहां पे देखिए, अब हमने क्या करना है, अब मैं ये करता हूं कि अब ना हम लोग ये करते हैं कि अब हम देखिए
इस 2x की माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x की माइनस 4, अच्छा फिर इससे करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 जर क्या आ जाएगा 8, और ये x की माइनस 4 डेल x और क्या आ जाएगा x। अभी हम देखते हैं ये माइनस 4 और माइनस, ये माइनस 5 बन जाएगा ना, यानी कि ये जब इनको मिलाएंगे तो माइनस 5 बन जाएगा यहां पे, ठीक है, यानी माइनस 4 और माइनस ये क्या आ जाएगा माइनस 5। तो अभी देखें 4 5 जर 20, तो 22 जर कितना हो जाएगा 40, और x की माइनस 4 डेल x का स्केयर अवर क्या हो जाएगा x का स्केयर, ये चलते चलते एंड में क्या आ जाएगा माइनस 2x की 4। अब ठीक है स्टूडेंट, हमने ये करना है कि ये वाला प्लस वाला 2x की माइनस 4 और ये माइनस 2x की माइनस 4 ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। कटने के बाद यहां पे रह क्या जाएगा, सब कुछ कटने के बाद देखिए आपके माइनस 8 है, ये x की नीचे जो है ये प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, यानी x की माइनस 4 डॉट ये x की ऊपर जाके माइनस 1, ये क्या आ जाएगा डेल x, ठीक है। अच्छा ये हमने ना नीचे 2 नहीं लिखा, ये हमें 2 लिखना चाहिए था ये वाला, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 20, मतलब कि 2 जब हम 40 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, x की ये माइनस 4 और ये ऊपर जाके क्या आ जाएगी माइनस 2, ये आ जाएगा डेल x का स्क्वायर। अच्छा अभी देखिए अब आपके पास ना यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, ठीक है, एक ये वाली पूरी वैल्यू है और एक ये वाली पूरी वैल्यू है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है और जिसको हम क्या लेते हैं वो कहते हैं डेल x, वो डेल x आप क्या करें कॉमन ले, बाकी एज इट इज अंदर माइनस 8 x की आ जाएगी माइनस 5, डेल x कॉमन लिया वो बाहर आ गया, अब नहीं बचा, यहां पे 20 है, तो ये अब आप देखें कि x की माइनस 4 और माइनस 8 जब बेसिस सेम है पावर एड होगी माइनस 6 और यहां पे क्या आ जाएगा डेल x। अब देखें यहां पे डेल x हमने कॉमन लिया, इधर डेल x था इधर कुछ भी नहीं रहा, इधर डेल x का स्केयर था तो एक बाहर आ गया तो एक रह गया, ठीक है। अब तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं कि डेल x को दोनों साइड पे करते हैं डिवाइड, जब डिवाइड किया तो क्या हुआ ये और ये क्या होगी कटिंग, जब कटिंग होगी तो यहां पे रह जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स, यह आ जाएगा माइनस 8 एक्स माइनस 5 और यह आ जाएगा 20 एक्स की माइनस 6 और साथ में क्या आ जाएगा डेल एक्स। अब हम पुट करते हैं लिमिट। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप लिमिट लगाओगे तो वो वाली वैल्यू जीरो होगी जहां पर डेल एक्स है। अब देखें ये पूरे का पूरा ये क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, देखें यहां पर डेल एक्स है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि जब आप डेल एक्स जीरो लिखोगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगा ये भी जीरो से तो ये क्या आ जाएगा जीरो, इधर डेल एक्स है ही नहीं तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो रह क्या जाएगा माइनस 8 एक्स की पावर माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट आपके पास जो आंसर है जब ये इसमें ऐड होगा तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा माइनस 8 एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस 5, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं माइनस 8 अवर एक्स की 5, क्योंकि ऊपर माइनस है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको जो है सही तरीके से समझ आया होगा और आपको ये पता चला होगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 कैसे करना है। तो उम्मीद है दोस्तों अगर आपको ये समझ आया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुर्रम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज का अंदाजा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।